फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। माई सेल्फ स्वाति शर्मा, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और ये बोल सकते हैं कि क्यूसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि फॉलोइंग टॉपिक्स विल कवर इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रोबायोलॉजी, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, स्टेटस फॉर माइक्रोबायोलॉजी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, GMP गाइडलाइंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट, मटेरियल एंड मेथड्स, इंक्यूबेशन टाइम, रिजल्ट टाइम एंड स्पेसिफिक लिमिट्स, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम, कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड एरियाज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। जैसे बात करते हैं बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, ये सब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। ये सब आप इमेज देख ही रहे हैं इसमें। तो इनकी स्टडी को, या ये कहते हैं कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। एक कॉमन सा है जो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स ने सभी ने पढ़ा ही होगा। तो जस्ट ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में बात करते हैं। सेकेंडली हम आते हैं हमारी दूसरी स्लाइड पर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर यूजली टू स्मॉल टू बी नॉट सीन क्लियरली विद द नेक्ड आई। इसको हम ऐसे नेक्ड आई से नहीं दे सकते, इनको हमें हमेशा जब भी हम माइक्रोस्कोप देखते हैं तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना होता है। इसी में जैसे हम इसमें बात करते हैं माइक्रोस्कोप प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ, ये हमारे हर जगह होते हैं, ह्यूमंस में होते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सोयल्स में, वाटर में, कोई भी ऐसा इस अर्थ पर या एनवायरमेंट में नहीं है कि जहाँ पर माइक्रोब्स पाए नहीं जाते। इसी में हमारे कुछ बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे एक मशरूम की हम बात करते हैं, ये भी एक सिंगल सेल प्रोटीन होता है, एक माइक्रोब्स का ही टाइप है, और ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल है क्योंकि ये प्रोटीस, इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। और अगर कुछ ऐसी बात करें तो हमारे कुछ प्रोबायोटिक्स भी जो आजकल हम यूज़ करते हैं, अगर हम कर्ड का एग्जाम्पल लें तो ये हमारा एक हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है जो कर्ड हमारी प्रोबायोटिक का काम करती है। और ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें जैसे ई कोलाई, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, बट अगर इसको बाहर से हमारा कुछ इन्फेक्शन मिल जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है और ये हमें कुछ भी डिसीज़ कॉज कर सकता है, मेनली यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन और या कुछ आपका इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन ये हमें कॉज करता है। तो ये एक एग्जांपल है हार्मफुल बैक्टीरिया के, पैथोजेंस के, और बेनिफिशियल माइक्रोब्स के, कुछ भी आप ये इसमें बोल सकते हैं। इस ऑन द अदर एंड अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। एक सिस्टम होता है सेट ऑफ प्रोसीजर का जिसमें हमें कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी होती है सो दैट हमारे प्रोडक्ट को एक, ये हम बोल सकते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकें। तो उसके लिए एक सिस्टम हमें फॉलो करना होता है। इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये बोलना है कि माइक्रोबायोलॉजी कहाँ से, इसका ओरिजिन कैसे, हम मतलब बात करते हैं क्या रोल है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है QA, QA का पार्ट है GMP, जो एक GMP गाइडलाइन होती है वो हमें फॉलो करनी होती है किसी भी इंडस्ट्री में। अगर हम फार्मा इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो GMP गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। उसी का पार्ट है QC, और देन QC के पार्ट होते हैं फिजियोकेमिकल एनालिसिस, फाइटोकेमिकल एनालिसिस और माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस। मेनली हम यहाँ पर बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस की। माइक्रोबायोलॉजिकल में बात करते हैं माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट, एक कॉमन सा टेस्ट है जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ऑन द अदर एंड इसमें स्टेरिलिटी वगैरह भी आते हैं, बट हमारा मेन है कि टोटल एरोबिक बैक्टीरियल काउंट देखनी होती है, टोटल ईस्ट एंड मोल्ड्स काउंट देखने होते हैं, और टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे ई कोलाई, एसओडिया, सूडोमोनास एरोजिनेसा, ये हमारे पैथोजेंस होते हैं, तो इनकी हमें इसमें टेस्टिंग करनी होती है। ये थोड़ा सा प्लेट में हमें दिख रहा है कि किस टाइप की हम कॉलोनी इसमें देखते हैं, काउंट करते हैं। अब प्रोडक्ट की बात आती है कि माइक्रोबायोलॉजी की हम जो रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट है वो किस किस इसमें यूज़फुल है। तो अगर हम प्रोडक्ट के एनालिसिस करेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी एनालिसिस हमारी 3 स्टेजेस में होगी कि हमें रॉ मटेरियल एनालिसिस करनी है, इन प्रोसेस एनालिसिस करना है, फिनिश गुड एनालिसिस करना है। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो ये 3 स्टेजेस पे किसी भी प्रोडक्ट की एनालिसिस होगी, तो माइक्रोबायोलॉजी में तीनों स्टेज में ये एनालिसिस हमें फिनिश करनी होगी। इसके ऑन द अदर हैंड अब बात आ जाती है हमारी की एग्जांपल, जैसे मैं बोल रही थी माइक्रोबायोलॉजी के, एक सिंपल हमारे माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट होता है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग है, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट है, ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट है, स्पेसिफाइड पैथोजन ई कोलाई, साल्मोनेला स्पेशियस, सूडोमोनास एरोजिनोसा, स्टेफाइलोकोकस ओरिस, ये सब हमारे
माइक्रोबायोलॉजी में हमें ये टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है अलग अलग इंडस्ट्री में, या अलग अलग जैसे स्कोप में कि डेयरी में अलग टेस्टिंग होती है, फार्मा में अलग टेस्टिंग, तो थोड़ा ये टेस्ट बदल जाते हैं, पर मेनली कॉमन टेस्ट यही है। GMP गाइडलाइंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो हम बात कर रहे थे, अब इसमें बताते हैं कि सोर्स ऑफ कंटामिनेशन कैसे होता है। सोर्स ऑफ कंटामिनेशन पर्सनल से आ सकता है, एनवायरनमेंट से आ सकता है, वाटर से आ सकता है, इक्विपमेंट से आता है, क्लीनिंग इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल से हो सकता है, फैसिलिटी से हो सकता है, प्रोसेस से हो सकता है। दैट मीन्स कि हमें ये सब ये जो कॉमन पॉइंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को इन सब की टेस्टिंग करनी होती है, यानी कि इस सब चीज़ को मॉनिटर करना होता है। अब पर्सनल का आप एग्जाम्पल देखिए कि पर्सनल की टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो एक एग्जाम्पल इसमें हमने दिखाया है कि फिंगर डेप टेस्ट एक हमारा होता है, इसको कभी ब्रीफ में बताएंगे कि इंडस्ट्री में कैसे पर्सनल की भी टेस्टिंग होती है, EM होता है, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम होता है, वाटर की टेस्टिंग होती है। मीनिंग ये कंटामिनेशन हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, हर चीज़ की हमें माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है कि कंटामिनेशन हमारा किस किस एरिया से आ सकता है। तो ये सब हमें GMP गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये सब हमें मॉनिटर करने होते हैं। इसके कुछ मेजर इंस्ट्रूमेंट हैं, ओवन, इंक्यूबेटर, लेमिनार फ्लो, BOD, वर्टिकल ऑटोक्लेव, pH मीटर, माइक्रोस्कोप, कॉलोनी काउंटर, ये कुछ मेजर इंस्ट्रूमेंट हैं जो माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे और भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कॉमन है, वेइंग बैलेंस है, माइक्रोपिपेट वगैरह सब होंगे, बट कुछ मेजर इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए हैं। इसके अलावा मेनली हमें मीडिया, जो हमारा मेन केमिकल होता है, कि मीडिया हम यूज़ करते हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द सुटेबल मीडिया रिक्वायर्ड, जैसे मेनली हम कॉलेज वगैरह में यूज़ करते हैं NAM, लेकिन इंडस्ट्री में आके थोड़ा ये हमारा बदल जाता है। इसमें सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगार मीडिया और सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम, प्लेट काउंट अगार, ये अलग अलग हमारे मीडिया आते हैं। जब अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो शायद आपको पता होगा। तो थोड़ा ये हमारे इधर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे मीडिया जो आते हैं, ये किसी, जैसे हमने यहाँ पे हाई मीडिया से ले रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसको हम लेते हैं, रेडीमेड मीडिया आते हैं, जस्ट हमें इनको वाटर के साथ मिक्सअप करके रिक्वायर्ड क्वांटिटी में इसको प्रिपेयर करना होता है। बताया है आप, ये एक ये शॉर्ट्स का एग्जांपल है मेरे इसी चैनल में, आप इसको देख सकते हैं कि ये मीडिया, थोड़ा हमने इसमें प्रोसेस बताया कि कैसे इसको हम वे करके बनाते हैं, ये प्रोसेस में दिखाए गए हैं। दूसरा है हमारा, अब आता है इंक्यूबेशन टाइम एंड रिजल्ट। अब ये होता है कि टेस्टिंग में कितना टाइम लगता है, तो जब हम ये MLT अपनी परफॉर्म करेंगे तो इसके दो पैरामीटर, जैसे हमने फर्दर अभी बिफोर अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए थे, टोटल एरोबिक काउंट, इसके लिए हमें 48 to 72 आवर्स लगता है, यानी कि इतना हम मिनिमम टाइम है कि ये हमें प्लेट को ऑब्जर्वेशन के लिए रखना ही होगा। तो अंडर टेस्टिंग हमारा इतना टाइम लेगा, टोटल एंड मोल्ड काउंट में हमारा 5 to 7 days लेगा, और ये पैथोजन हमारे इकोलाई, सालमोनेला सोरेस या सुडोमोनास एरोजिनोसा, इनको किसी को भी हमारी अगर कंफर्मेशन के लिए इतना 2-3 days का टाइम हमारा लगेगा ही लगेगा। इनके रिजल्ट आने में हमारे को 5 days, मिनिमम 5 days माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस के रिजल्ट आने में लगता है। तो ये थोड़ा इसमें शो किया है टेबल में। अभी नेक्स्ट ये क्या होता है कि हमारा एक, जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो जो लोग वर्किंग हैं उनको पता ही होगा कि हमारी इसमें एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन लिमिट्स होती हैं, कि जैसे हम अब कैसे हम क्वालिटी में अपना प्रोडक्ट को देखेंगे कि क्वालिटी पास करता है या फेल करता है। तो ऐसे ये हमारे IP के अकॉर्डिंग, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, अगर हर्बल प्रोडक्ट है तो उसकी हमारी अलग अलग लिमिट है, फार्मा की हमारी अलग लिमिट है। तो ये कुछ का इसमें एग्जाम्पल है, और भी लिमिट चेंज हो सकती है। तो ये ऑथेंटिक बुक्स है, और कभी कभी हमारा इन हाउस भी हम स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो उसी के अंडर हमारी रिजल्ट आनी चाहिए। तो ये अगर हमारा वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीट करता है देन आवर प्रोडक्ट विल बी पास, अदरवाइज इट विल बी फेल। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि TABC में हमारा 10 to the power 7 CFU पर ग्राम होना चाहिए, TFC के लिए हमारा 10 to the power 5 होना चाहिए, इकोलाई एबसेंट और 10 to the power 3, बाकी हमारे सालमोनेला शिजेला और भी पैथोजन हमारे एबसेंट होने चाहिए। तो ये इसके तीन हमारे अलग अलग एग्जाम्पल हैं। ये एक्सट्रैक्शन के लिए जब हम कुछ एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, अगर ये उसका एग्जाम्पल है, 10 to the power 4, 10 to the power 2, और ये हमारा पैथोजन शुड बी एबसेंट। थर्ड वन हमारा एक, कभी कभी हम इथेनॉल का भी उसमें यूज़ करते हैं, तो ये उसका एग्जांपल है कि इसमें हमारी काउंट 10 to the power 5 हो जाती है और टोटल फंगल काउंट 10 to the power 4, पैथोजन शुड बी एब्सेंट।
नेक्स्ट ये हमारा थोड़ा सा डिस्प्ले है कि माइक्रोबियल ग्रोथ आफ्टर इनक्यूबेशन कैसे हमें दिखाई देती है। तो इसमें कुछ हमने एग्जांपल दिए हैं, जैसे ये इधर ये स्टिकिंग का है और इधर ये पॉपलेट मेथड का है। ये टेक्निक्स होती हैं अलग अलग, इनका भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इसके अलावा हमारा आता है EM प्रोग्राम जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। EM में हमारा आता है एरिया मॉनिटरिंग, कि हमें प्रोडक्शन एरिया, लेबोरेटरी, माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी और प्रोडक्ट सर्फेसिस, किसी भी सर्फेस से भी हमारा बैक्टीरिया आ सकता है। जैसे कोविड के टाइम पर आप सब लोग अच्छे से अवेयर होंगे कि सब सैनिटाइज का यूज़ कर रहे थे, तो इसी वजह से, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे सर्फेस पर भी रहते हैं, तो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को अच्छे से पता होता है कि कंटामिनेशन कहीं से भी आ सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना, इन सब की हमारे को मॉनिटरिंग करना है। तो मॉनिटरिंग प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट से, अलग अलग मेथड से सबकी टेस्टिंग होती है। और दूसरा पार्ट हमारा वाटर मॉनिटरिंग है, इसमें भी हमारा जो भी वाटर यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, चाहे DM वाटर हो, चाहे हमारा वाटर फॉर इंजेक्शन हो, प्यूरीफाइड वाटर हो, और ड्रिंकिंग वाटर भी हम यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें पर्सनल की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो इन सब की हम माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, ये सब हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस में पास होने चाहिए। इसके अलावा अब हमारा आता है कि अब हमने अभी तक देखा कि माइक्रोबायोलॉजिकल हम अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या माइक्रोब्स कैसे आते हैं, बट हमें एक कंट्रोल भी माइक्रोबायोलॉजी को पता होना चाहिए ना। माइक्रोबायोलॉजिस्ट को ये भी पता होना चाहिए कि हम कंट्रोल कैसे करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो इसके हम जैसे पढ़ते आए अपने बुक्स वगैरह में भी हैं, तो थोड़ा सा बस चेंज है, बाकी सबको पता ही होता है जो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, कि हमारे एक फिजिकल एजेंट्स होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं। तो फिजिकल एजेंट्स में हम, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाई टेम्परेचर, हम अपने घर वगैरह में भी यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ को हमें बहुत देर तक पका लिया तो सो दैट इसके सारे कीटाणु मर जाएँ। तो वही फिनोमिना हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कि हाई टेम्परेचर, जिसमें हमारा मॉइस्ट हीट डिस्टिलेशन एंड ड्राई हीट डिस्टिलेशन, यानी कि ऑटोक्लेव और ओवन आते हैं, रेडिएशन, यूवी रेज, गामा रेज, इनसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक सबसे बेस्ट मेथड है जो हमारा आजकल प्यूरीफाइड सिस्टम में भी होता है, वाटर प्यूरीफाइड सिस्टम में, फिल्ट्रेशन मेथड, कि फिल्टर से भी हमारे काफ़ी हद तक हम माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे आते हैं केमिकल एजेंट, जैसे डिसइंफेक्टेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड्स, ये आजकल सभी को ही पता है कि हम सैनिटाइज यूज़ करते हैं, तो इंडस्ट्री में ये पहले से ही यूज़ होता है। तो उसमें हमारे ये सब की हमें जैसे डिटॉल, सेवलॉन या और भी आपके डिसइंफेक्टेंट हैं, उनसे हमें मोपिंग करनी चाहिए, जिसका हमने कुछ एग्जांपल दिए। सबसे बेस्ट हमारा और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हमारा केमिकल एजेंट है 70% IPA, ये हम यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की लैब में और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, इंस्टॉलेशन प्लांट में हमारा ये यूज़ होता है। और दूसरा यहाँ पे हमने एक दिखाई है डिसइंफेक्टेंट की, सिल्विसाइड की पिक, जो हमारा मॉपिंग में भी और फॉगिंग में भी यूज़ होता है। फॉगिंग के बारे में भी हम अभी कभी नेक्स्ट स्लाइड में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमने कुछ इसके एग्जांपल दिखाए। अब आते हैं हमारे मेनली ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जैसे बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, माइकोलॉजी से नाम से पता चल रहा है स्टडी ऑफ फंजाई, नीमेटोलॉजी स्टडी ऑफ नीमेटोड्स, पैरासिटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी। और अब ये होता है, सबको थोड़ा सा रहता है ना क्यूरियोसिटी की एरिया क्या है माइक्रोबायोलॉजी के, जहाँ पर हम लोग जब पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। तो थोड़े से इसमें एग्जांपल हैं कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होती है, एक्यूटिक माइक्रोबायोलॉजी होती है, एरो माइक्रोबायोलॉजी होती है, फूड माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, एक्जो माइक्रोबायोलॉजी, जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये एक अप्लाइड एरिया है। तो अब इन ये सब में माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल रहता है, कहीं पे भी हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है तो हम कहीं पर भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट हमारा चलता ही ये कॉमन फूड इंडस्ट्री हो गई, हमारी फार्मा इंडस्ट्री हो गई, इनमें तो काफ़ी बड़ा रोल रहता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।